भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि, वो और कोई नहीं है, वो स्वयं प्रॉफिट मोहम्मद साहब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक फेमस इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक कह रहे हैं। इनका मानना है कि जो कल्कि है वो और कोई नहीं, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ही है। So this prophecy of Kalki Avatar, the last and final messenger, befits no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad peace be upon him। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या भगवान कल्कि और कोई नहीं प्रॉफिट मोहम्मद ही थे और वो आ चुके हैं, तो हम अब तक वेट किसका कर रहे थे? कंफ्यूजन। और आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला है। मेरा नाम दीप जायसवाल है, आप देख रहे हैं शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम रिएक्शन रिप्लाई वीडियोस बनाते हैं, सनातन धर्म से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं ताकि भगवद गीता के मैसेज को और अच्छे से समझ सके। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक वीडियो देखते हैं जाकिर नाइक की। इस कल्कि अवतार के पिता का नाम होगा विष्णुयाश। विष्णुयाश के मानी है खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल्कि अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। देखो यहाँ पे इस आदमी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। विष्णुयासा का मतलब वर्शिपर ऑफ विष्णु नहीं होता। विष्णुयासा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विष्णु प्लस यश, विष्णु और यश, विष्णु का यश हो, ग्लोरीज ऑफ विष्णु, ये इसका मतलब होता है विष्णुयासा। और सेम गोज टू कल्कि भगवान की मदर के लिए सुमति। सु प्लस मति, मति मतलब माइंड, सु मतलब पायस और प्योर, प्योर माइंड, पायस माइंड, ना कि पीस। ये दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एक सेकंड, ये मुझे समझ नहीं आया, किसी का नाम अब्दुल्ला है और किसी का नाम विष्णुयास है और मतलब सेम निकला, तो पर्सन कैसे सेम हो सकते हैं भाई? तो हो सकता है कि एक ही नाम कई कई डिफरेंट भाषाओं में हो, जहाँ उर्दू में चिराग हो, हिंदी में दीपक हो, पर पर्सन के हिसाब से तो अलग ही है ना। जाकिर नायक फिर बोलते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। ये कल्कि अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। फिर से इसका वही स्टार्ट हो गया। अबे मक्का, भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के पार्ट 4 चैप्टर 5 में आता है, लॉर्ड विल टेक अवतार विद द नेम ऑफ लॉर्ड कल्कि इन दिव्य वृंदावन इन द सीक्रेट रसमंडल प्लेस दैट इज द बॉर्डर ऑफ मथुरा। वृंदावन लोकेशन अलग है, ये भारत के यूपी एरिया की बात करते हैं। और कई लोग बताया जाता है कि जो संभाला शहर होगा वो हिमालय के साइड भी होगा, कुछ गुप्त जगह होगा। तो जितनी भी डेफिनेशन आती है मोस्टली यूपी एरिया की आती है या इंडिया की तरफ से ही आती है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक ही बात है, सब एक बराबर है, सब एक बात, अलग ही मायावाद फैला रहा है आदमी, सब एक ही कर रहा है। अल्लाह का एक नाम अल रहीम भी होता है, जिसका मतलब होता है बेस्टोवर ऑफ मर्सी, मर्सी देने वाले। और भगवान कृष्णा का भी एक नाम होता है दयानिधि। भगवान कृष्णा का एक नाम दयानिधि भी होता है, मतलब जो सब पे दया करते हैं। तो एक्चुअली ये देखो मीनिंग सेम मिल रही है, कृष्णा दयानिधि, अल रहीम बेस्टोवर ऑफ मर्सी। तो एक्चुअली जब हम ऐसे प्रेयर्स करते हैं ना मस्जिदों में, हम कुछ नहीं कर रहे, अल्लाह को याद नहीं कर रहे, हम कृष्णा को याद करते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। कृष्णा, जितने भी मुस्लिम्स होते हैं वो सब कृष्ण भक्त हैं। प्रॉफिट मोहम्मद तो कृष्ण भक्ति ही सिखा रहे थे, गलती हो गई, आप जैसे लोग आ गए बीच में, डाइवर्ट कर दिया विचारों को। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दूंगा, ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगा। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल्कि अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बोल रहे भाई साहब कि देखो वो भी वाइट घोड़े पे रहते थे, गलत लोगों को हराते थे, उनके हाथ में तलवार होती थी, है ना? तो सेम ही है। तो अब क्या करता है, अब मैं एक और चीज़ इस्टैब्लिश करता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद और कोई नहीं है, वो स्वयं भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त थे, और उनका काम ही यही था कि सिर्फ भक्ति फैले। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद के जो ओरिजिनल मैसेज है उसको डाइवर्ट कर दिया। अब मैं बताता हूँ, अब शब्दों की धंधला धली हो रही है तो मैं भी खेलता हूँ। इन्होंने बोला ना कि वाइट हॉर्स पे आते थे। कल्कि पुराण के हिसाब से भगवान कल्कि जब भगवान शिव की वर्शिप करेंगे और भगवान शंकर खुश होकर उनको एक सफ़ेद घोड़ा देंगे जिसका नाम देवदत्त होगा और जो बहुत ही तेज दौड़ेगा, उसके ऊपर बैठ के वो तलवार से अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और इधर भी बता रहे हो कि उनके पास भी वाइट घोड़ा होता है, तो एक तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद कल्कि हैं, चलो माना। तो यानी शिव कल्कि पुराण के हिसाब से वो शिव की वर्शिप कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद। और इंटरेस्टिंगली मक्का में अगर आप जाते हैं तो मक्का की जिस तरीके से परिक्रमा की जाती है और भगवान शंकर की शिवलिंग की भी परिक्रमा लगाई जाती है, तो जो परिक्रमा का कॉन्सेप्ट है जो हम मक्का में करते हैं, शिवलिंग की भी करते हैं, ये तो आती ही सनातन से। प्रॉफिट मोहम्मद कहीं ना कहीं शिव जी के बारे में तो प्रचार नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर कल्कि हैं तो कल्कि तो शिव जी की भी वर्शिप करते हुए पाए जाएंगे। और प्रॉफिट मोहम्मद ने भी वही किया, जिस तरीके से शिव की शिवलिंग की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वैसे आप भी लगा रहे हो। थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गया है ऑफकोर्स, बट कर तो रहे हो। अगर बात को घुमाया फिराया जाए, तोड़ा मरोड़ा जाए, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद और कल्कि भगवान सेम ही हैं। चलिए कुछ कंपैरिजन करते हैं। कल्कि भगवान अगर देखा जाए एज पर रिकॉर्ड, उनके माता पिता हमेशा उनके साथ रहेंगे लंबे समय तक। पर वेरेज अगर प्रॉफिट मोहम्मद की बात की जाए, प्रॉफिट मोहम्मद के पिताश्री उनके जन्म लेने से पहले ही उनका देहांत हो गया था, और माता भी जब वो बच्चे थे उसके कुछ समय बाद वो चल बसी। तो प्रॉफिट मोहम्मद देखा जाए मम्मी पापा उनके अर्ली ही स्टेज में वो चल बसे। वेरेज कल्कि पुराण के हिसाब से उनके कल्कि भगवान के माता पिता हमेशा रहेंगे। तो ये कैसा कंपैरिजन है? जाकिर नायक भूल गई ये लाइन, ये कंपैरिजन करना। एक और कंपैरिजन दे देता हूँ। कल्कि पुराण के हिसाब से भगवान कल्कि के 9 गुरु होंगे और वो 9 गुरु से शिक्षा लेंगे, प्रॉपर एजुकेशन होगा उनका। क्या प्रॉफिट मोहम्मद साहब का एजुकेशन हुआ था? मैं गूगल कर रहा था तो वहाँ पे तो नहीं बताया उन्होंने कि वो पढ़े लिखे थे, जिस तरीके से कल्कि भगवान का बताया जाता है। जाकिर नायक ये भी देखना भूल गए। तो ब्रह्मांड पुराण के हिसाब से भगवान कल्कि पूरी दुनिया में ट्रैवल करने वाले हैं और अधर्म का हर जगह से विनाश करने वाले हैं। क्या प्रॉफिट मोहम्मद साहब पूरी दुनिया ट्रैवल किए थे? इस तरफ आए थे, भारत आए थे, वो कहाँ कहाँ गए थे? पर मैं जब गूगल कर रहा था तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। जाकिर नायक डॉक्टर नहीं पढ़ा? अच्छा उतने ही पढ़ते हैं क्या जितने में अपना काम हो जाए, पूरा नहीं पढ़ना होता। वो तो आपके में ऐसे ही होता होगा प्रचार करने के लिए, पर हमें बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि धर्म का मामला है, तरीके से, तमीज से, सहजता के साथ करना चाहिए और रिस्पेक्ट देते हुए। और आपको एविडेंस देता हूँ मैं। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी जिनसे उनको 4 पुत्र होंगे। क्या प्रॉफिट मोहम्मद की 2 पत्नियां थी? बस आई गेस उनकी काफ़ी पत्नियां थी और उनके काफ़ी बच्चे थे। 2 तो बीवियाँ नहीं थी उनकी। अब ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आप बात रिलीजियस फाइट करने लगोगे, तो मैं उधर जा ही नहीं रहा। मैं बस कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जाकिर नायक तुम इस्लाम को भी क्यों डाइवर्ट करने में लगे पड़े हो, अपने हिसाब से चीज़ें सेट करने में क्यों लगे पड़े हो? प्रचार का ऐसा क्या जोश सवार है कि सही गलत ही भूल जाओ। तो इतने सारे कंपैरिजन करने को है, पर वो व्यक्ति सिर्फ 4 से 5 चीज़ें लेगा जिससे वो बस अपना उल्लू सीधा कर सके। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ जाकिर नायक। सपोज कीजिए कि मान लिया प्रॉफिट मोहम्मद ही कल्कि अवतार थे, तो कल्कि अवतार का जो धर्म है, जो कर्म होगा, वो संसार में सत्य को रीटैब्लिश करना होगा। हुआ क्या? हो गया। काफी अच्छा है भाई साहब, मजा आ रहा है, नास्तिकता बढ़ रही है और वाह बहुत अच्छा धर्म फैला दिया। तो एक्चुअली जब तुम ऐसा बोलते हो ना कि ये प्रॉफिट मोहम्मद कल्कि अवतार है, तो आप एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद साहब का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि फिर लोग सवाल पूछेंगे कि भाई अगर यही वो है तो फिर अभी तक अच्छाई क्यों नहीं फैली? आप तो खुद अपने ही पैगंबरों के ऊपर सवाल उठा रहे हो, डाउट क्रिएट करा रहे हो। और एक और बात बता दूं, प्रॉफिट पैगंबर में और अवतार में अंतर होता है। अवतार भगवान का होता है, भगवान स्वयं आते हैं एक डिफरेंट रूप में, और पैगंबर मतलब प्रॉफिट मतलब मैसेंजर होता है जो भगवान के द्वारा भेजा जाता है। तो भगवान कल्कि और प्रॉफिट मोहम्मद में कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके डिफरेंट टास्क होंगे। मैं किसी को भी नीचा नहीं दिखा रहा यहाँ पे, पर मैं बता रहा हूँ जबरदस्ती कंपेयर करके अपने आप को छोटा क्यों साबित करने में लगे पड़े हो भाई। इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, हिंदी में सेब बोलते हैं, है ना? तो वैसे उर्दू में प्रॉफिट मोहम्मद हो गए, हिंदी में कल्कि हो गए, सेम है, इतना सेम है। अरेबिक में अब्दुल्ला बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विष्णुयाशा, दोनों एक ही बात हो गई। शब्दों की बात नहीं हो रही, हम पर्सनल की बात कर रहे हैं। पर्सन का एक नाम होता है, जस्ट बिकॉज दो पर्सन के सेम नाम है दर्जन मीन की सेम ही पर्सनैलिटी होंगे। इतनी बेसिक कॉमन सेंस तो होती है। इतने बड़े स्टेज पे इस्लाम का प्रमोशन कर रहा है और इस तरीके से। तो जितना फोकस तुम लोगों को मुस्लिम बनाने में लगे पड़े और अच्छा इंसान बनाने में लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। मुझे तो हंसी ये आई कि क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है क्या कि जो विष्णु भगवान है वही परम भगवान है, क्योंकि इसने बोला ना कि विष्णु यासा का मतलब होता है वर्शिपर ऑफ विष्णु, भगवान का पूजा करने वाला, और अब्दुल्ला का मतलब भी यही होता है अल्लाह का पूजा करने वाला। तो अल्लाह विष्णु एक हो गए, एक्सेप्ट कर रहे हो। नेम ऑफ कल्की फादर विल बी विष्णु यास। Vishnu Yas, if you translate, means the worshipper of Vishnu, worshipper of God. And the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's father was Abdullah, which also means worshipper of Allah, worshipper of God. खैर आज के वीडियो में यही कंपैरिजन कर रहा था कि सी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जस्ट प्रमोशन के लिए, प्रचार करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते, और ऐसे लोगों को बेहिसाब लोग फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। तो शायद अब ब्लाइंडली फॉलो करने का समय जाएगा। अब ये नया भारत है, ये जवाब देगा और हम तो चुप नहीं रहेंगे। जब भी आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दोगे हम तो खुल के एक्सपोज करेंगे। जाकिर नाइक को जरूर कमेंट सेक्शन में गाली गलौज देने की जरूरत नहीं है। अपना कैरेक्टर बनाए रखें, डोंट लूज योर जीवा। बाकी नई शॉर्ट फिल्म पे हम काम कर रहे हैं तो आप हमें उसके लिए डोनेशन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ताकि हम और अच्छे से भगवद गीता के ऊपर अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म बना सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हो सके तो थोड़ा सा डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। कृष्णा ही शिक्षार्थकम।